is stretching out the air or warming up of the air? First of all, we have to warm up. Mean, I saw warming up a lot better. आपको जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स. हाउ यू हैव टू वार्मिंग अप, जिसको मैंने पूछना है उसने बोलना है. आपकी सबकी बारी आएगी. हाँ जी गर्ल्स, आप में से कोई बताओ. टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप बॉयज बताओ कोई. एक मिनट. टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप पूछ रहा हूँ मैं आपको. टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप आपको क्वेश्चन आएगा उसमें कार्डियक लिख दोगे. आपको बेसिक चीज ही नहीं पता वार्मिंग अप के. अगर डिफरेंट आप गेम खेल रहे हो, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है जनरल वार्मिंग अप, ठीक है. व्हेन एवर यू गो फॉर एनी वार्मिंग अप फॉर एनी गेम दैट इज जनरल, मीन्स की होल बॉडी पार्ट यू इन्वॉल्व. व्हेन एवर वी स्टार्ट एनी ट्रेनिंग मेथड वी जस्ट स्टार्ट विद द जनरल वार्मिंग अप, मीन्स की फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम यू हैव टू डू लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सपोज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, विच एक्सरसाइज यू हैव टू स्टार्ट. टॉप में कुछ और भी आता है, रोटेशंस में सबसे पहले आपकी आई रोटेशन आएगी, देन नेक रोटेशन, देन शोल्डर, रिस्ट रोटेशन, देन शोल्डर आर्म रोटेशन, वही हो गया ना इसको आप वेरीज, देन हिप, उसके बाद एंकल, फुट एंकल ही हो गया. और आपका जो नीज है, व्हाट अबाउट नी? अरे रोटेशन, अभी तो रोटेशन वाली एक्सरसाइज है ना ये. रोटेशन एक्सरसाइज, रोटेशन एक्सरसाइज में ये सारी आपकी एक्सरसाइजेज आ गई. नीज को आप रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है. ये आपको लिखाया हुआ है मैंने उसमें. नीज पहले हम क्या करते थे, नी को ऐसे रोटेट करते थे ऐसे, अभी भी करते हैं काफी, मतलब लोग करते हैं. बट ये इसका एक ड्रॉबैक क्या है, सम टाइम इफ यू रोटेट फास्टली, तो जो आपके ये ऊपर नी कैप है ना, ठीक है, जो नी कैप है वो स्लिप कर जाता है. सम टाइम वी अवॉइड द ट्रेनिंग इन स्टेयर्स, वहां पे आपको मेन स्ट्रेस यहीं पे पड़ता है. ये जो पीछे है हील के ऊपर होता है ना, उसको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है. इस पे ज्यादा स्ट्रेच करोगे, अगर इसको ओवर स्ट्रेच करोगे, अगर किसी भी लिगामेंट को आप ओवर स्ट्रेच करोगे, ओवर यूज करोगे, तो वो टियर हो जाएगा, ठीक है. वो इट विल टेक्स इयर्स. आपको मैंने लास्ट टाइम शायद बताया कि नहीं, बोन फ्रैक्चर होगी है, इट विल टेक 4-7 weeks डिपेंड अपॉन द फ्रैक्चर. बट इफ योर लिगामेंट एंड टेंडन वो डैमेज हो जाता है, अगर पार्शली होता है या फुल हो जाता है, इट विल टेक ईयर्स. ये ज्यादा डेंजरस आपको इंजरीज होती है. और मोस्टली आपने देखा होगा जो थोड़ा, ठीक है, जितने भी आपने फास्ट बॉलर हैं, शोल्डर उनका लिगामेंट चेंज हुए हैं, ठीक है. जितने बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, उनके लिगामेंट्स जो नीचे नीज के पास है वो डैमेज हो जाते हैं मोस्टली. ये हर आपकी जो गेम है उससे रिलेटेड इंजरीज होती हैं. आप खेलते हो कबड्डी, उसमें हम बोलते हैं ना, गुट पकड़ लिया, गुट निकल गया, शोल्डर, वहां पे क्या होता है, डिसलोकेशन, क्योंकि वो खींचते हैं एक दूसरे को, तो उसमें आपका कभी
रिस्ट का, शोल्डर का, ये डिसलोकेट हो जाते हैं। और वो क्या होता है, आफ्टर फ्यू, मतलब आपको अगर सेम कोई मूवमेंट ऐसी झटका लगता है वो फिर निकल जाए। दैट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। वो जब आपकी एक प्लेस से वो लूज हो गया ना, तो आप जैसे वो सेम मूवमेंट करोगे तो वो आपको तंग करेगा, पेन करेगा, निकल गया हल्का सा, फिर सेट हो गया, मीन्स कि उसकी जो नेचुरल चीज है वो नहीं आएगी, वो खत्म हो जाएगी। आपका फ्रैक्चर हो गया, आपकी बोन्स को उन्होंने सेट कर दिया। नाउ डेज देयर इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी कि आपको प्लेट्स डाल दिए, उन्होंने नट डाल दिए, दैट विल द आपको आपको लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मुझको वो भूल जाता है, वो गेम बड़ी हुआ जिसमें वो किक भी, बॉक्सिंग भी, सब कुछ ही करते हैं वो, UFC, उसमें जो अभी एक जिसके फ्रैक्चर हुआ था लेग्स में, उसका देखो, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उस गेम में आपको 3 राउंड में इतने पैसे मिलते हैं, कोई मतलब आप कोई भी वर्ल्ड में उससे वो नहीं है नियर बाय, आपका मेसी हो गया, आपका जॉनसन, जो भी आप जो भी जितने ले लो। तो उसने वो जब बाउट कर रहा था उसका, आप लिटरली मैं तो देख के हैरान हो गया, उसका यहाँ से सारा एंकल बाहर आ गया, एंड स्टिल उसने वो पूरा मिनट निकाले, नॉकआउट नहीं हुआ, उसी से मारता रहा उसको। अब क्या हुआ, उसको वहां पे रॉड डाल दिए। तो उनकी स्टेटमेंट देखो क्या आ रही है कि अब मेरे पास उससे भी स्ट्रॉन्ग, वो करता ही ऐसे मारता ही यही है फेस पे, जो उससे जिससे वो हारा है उसको उसने बोल दिया कि मुझको मेरी जो लेग्स में पावर है, स्ट्रेंथ है, उससे भी डबल हो गई, क्योंकि वो रॉड डल गई है। तो दे हैव अ सच अ विल पावर, वो थोड़े से साइकिक होते हैं जो ऐसे फाइट करते हैं, तुमने देखा होगा ब्लड ही ब्लड, बुरे हाल, मतलब सम टाइम तो ऐसा होता है कि बस पूरा रेड हुआ होता है वहां पे, ब्लड से लगे होते हैं सारे, सेम मैन एंड वुमेन। ये मतलब ये आपकी जितनी भी ऐसी गेम्स है, दैट इज टोटली कि आपको इंजरी, आप इंजर्ड होंगे, योर सम टाइम इट विल बी सीवियर, आपको लाइफ में वो मना कर देंगे आपने नहीं करना। तो ठीक है, वार्मिंग अप का हमने क्या किया, ये रोटेशन एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ नीज के, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि आपने एकदम ऐसे नीज कर दिए, प्रॉपर वार्म अप नहीं हुए तो स्लिप हो जाएगी वो, तो ये भी आपको बहुत तंग कर दिया। अगर आपका डिसलोकेशन ऑफ एनी ज्वाइंट्स, दैट इज मोस्ट, और आपका लिगामेंट, और लिगामेंट के लिए एक्सपर्ट फिर आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। अगर आपने किसी ऑर्थो वालों को दिखा दिया, ठीक है, नो डाउट वो भी सर्जन है, बट जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके टीम्स के साथ जो चलते हैं डॉक्टर्स, दे आर क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर फिजियो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, उनको पता होता है आपने कौन सी शॉट खेली, आपका कौन सा लिगामेंट है, आपका कौन सा मसल्स है इन्वॉल्व होगा, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको एकदम उसी पर्टिकुलर मसल्स को बता देंगे, ये पेन कर रहा है, इसको आपने कैसे स्ट्रेंथनिंग करनी है, इसको आपने कैसे रिलैक्स करना, और आपने कितनी देर से स्पोर्ट्स में पार्टी, जैसे आपके एथलीट हैं, एथलेटिक्स का क्या काम है भागना, आपका अगर हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम कुछ आ जाती है, काफ में आ जाती है, तो उनका लाइफ का कैरियर होता है, मसल टीयर अप हो गया, इट विल टेक्स ईयर्स, और आपका कहीं स्पोर्ट्स कंपटीशन आ रहा हो आपको, क्या फिर इमीडिएटली क्या करते हैं वो, फिर मसल्स जो टीयर अप हो गया, फिर देन देयर इज अ, ये आपका अपना जेवलिन थ्रोअर है जो, हाँ, इसको भी ये सेम प्रॉब्लम आई थी शोल्डर लिगामेंट्स टेंडन्स, यहाँ पे इन शुरू हो जाती है। जब आपने देखा होगा कहीं आपने क्रिकेट में वो बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे होते हैं या ऐसे करके थ्रो कर रहे होते हैं, आपने ये थ्रो की है, ठीक है, आपको झटका लग गया, वार्म अप नहीं हुई है, तो क्या होगा, आप दोबारा वो मूवमेंट करोगे आपको फिर वही पेन होगी, आपको पता नहीं लगेगा ऐसे, बस ऐसे देखोगे, हाँ नहीं यहाँ पेन हो रही है। आप बॉलिंग करते हो, ठीक है, बॉलर क्या करता है, लास्ट साइड ऐसे जंप लेता है ना, ऐसे पैर स्पाइक्स नीचे लगते हैं, तो समटाइम बैक इंजरीज हो जाती है, वो आपको कुछ नहीं होगा, जब आप वो पर्टिकुलर मूवमेंट करोगे तो आपको क्या होगा, पेन होगी। तो उसका सिंपल है, डॉक्टर क्या बोलेंगे, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट नहीं मीन्स रेस्ट, कि आपने ये मूवमेंट अवॉइड करनी। बट इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आपका अगर कैरियर है, आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आपको तो करना पड़ेगा, वो आपका कैरियर है, प्रोफेशन है,
वहां पे फिर जो सर, आपके एक्सपर्ट होते हैं दैट इज स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनके पास अगर आप जाओगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे आपके. जैसे अभी मैंने एक चंडीगढ़ में आपके डॉक्टर है 32 में, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट लिगामेंट एंड टेंडन एक्सपर्ट. जितने भी स्पोर्ट्स के हमारे आपके सबसे ज्यादा तो इसमें कबड्डी में होता है, ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ वो आपको इतनी गेम में कहीं ना कहीं चोट लगनी लगनी है, तो वो मोस्टली वहां पे जाते हैं. उनको इतनी मतलब देयर, आप कोई भी चीज दिखा दोगे, यहाँ पे हमने तो खुद एग्जांपल यहाँ पे बहुत देखे हैं बच्चों के. यहाँ पे एक लड़का गिर गया था बास्केटबॉल खेलते हुए प्लस टू का, देखा ना, तो वो यहाँ पे गए, ये कर देंगे, लिगामेंट चेंज होगा जी, 1.5 लाख रुपए लगेंगे, 1.25 लाख लगेंगे. तो उसको उनको मैंने कहा कि वहाँ पे एक डॉक्टर है, आपको अपॉइंटमेंट दिला देते हैं, बस जस्ट है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ पे. आपको पता है वहाँ पे खर्चा क्या आता है? दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PGI 32 सेक्टर में है वो, मेडिकल कॉलेज में. वहां पे उनका खर्चा मतलब कि इन 2,000 or 3,000 में सारा काम हो गया. और वो एक्सपर्ट इतने उस काम में कि आपको पहले बता देंगे वेदर देयर इज ए नीड ऑफ चेंज, और उसको हमने ऐसे ट्रीट करना है या रेस्ट से करना है या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू करना है. अदरवाइज यहाँ पे तो क्या होता है, आपको आएंगे, चलो जी चेंज करो, इतने पैसे जमा करा लो. अब बब्बू अंकल पता है शॉप वाले, इनकी बेटी एक्टिवा से गिर गई थी, यहाँ पूरे डॉक्टर्स को दिखा दिया, जितने डॉक्टर्स है, ये होगा वो होगा, वो लेग में ऐसी होगी, स्टिफ होगी. जब आपका लिगामेंट है या जॉइंट्स है वहां पे क्या होता है आपका, अब जैसे ये देखो थंब है ना, ये हमारा फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है, ये बॉलें लग लग के ऐसे हो गए, क्यों, हमने ध्यान नहीं दिया, खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे. तो वो क्या होता है, इसमें बीच में जैसे जॉइंट्स के बीच में आपके मांस आ गया, वो वहां पे हार्ड हो गया, फिर आपका मूवमेंट नहीं होगी. आपके सबके बैंड हो रहे होंगे, ऐसे हो रहे कि नहीं, कि किसी का ऐसा स्टेट है, ऐसे बैंड होना चाहिए ये फिंगर्स सारी, इट मीन फ्लेक्सिबिलिटी. हाँ चलो काम ज्यादा अलग चीज है, पर बैंड होना चाहिए. आपने देखा होगा वो क्रिकेटर्स के सारे यहाँ पट्टियां लगी होती है, क्योंकि वो इतनी तेज आप शॉट मार रहा है, वो कितनी स्पीड से बॉल आती है, अगर आपका थोड़ा सा भी हैंड इधर उधर हो गया, यहाँ लग गई, इधर लग गई. वॉलीबॉल में क्या होता है, स्मैश मारते हैं ना, अगर गलती से भी आपने उसकी स्मैश को अपर हैंड से ले लिया तो ये साफ, ये चीजें, उसकी स्पीड इतनी होती है कि आपका हल्का सा भी आपने उसको अंडर हैंड उठाते हैं मोस्टली सारे, यहां से उठाएंगे उसको, उसको फिंगर से स्मैश को कभी नहीं उठाएंगे. अदरवाइज जो फिंगर्स आपकी ये सारे यहाँ वो स्ट्रेचेज ही लगते हैं, फिर ये निकल जाएगा सारा. बहुत ऐसे केसेस होते हैं, आपने बॉक्सिंग देखी है, आपको कोई भी बॉक्सर ऐसा नहीं होगा जो थ्रू आउट लाइफ में जिसके कहीं स्ट्रेचेज ना लगे हो. वो अपर कट मारते हैं, देखा होगा कभी, देखना ऐसे अपर कट साइड कट, वो सीधा आईब्रो पे या जॉज पे, क्या चीज शाम को किस दिन आई जरा देखी स्पोर्ट्स कॉलेज देख फिर नजारा. वो मारने का तरीका है बेटा, दैट इज अ टेक्निक. यूं मारेंगे कुछ भी नहीं होगा, जब आप उसको ऐसे मारोगे तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो ग्लव्स तो हैं बट उसमें क्या हो जाता है, जब आपका ग्रिप बनेगा तो वो यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगा, वो साइडवेज लगेगा, यहाँ ये ब्रश करके जाएगा, वो यहाँ पे जब ब्रश करके जाएगा तो वहां पे आपको 100% वो स्ट्रेचेज ही लगते हैं. या जो स्ट्रेट मारते हैं उसमें क्या होता है, नील पड़ गया. जो स्ट्रेट पंचिंग करते हैं, जब आपके फेस पे स्ट्रेट पंचेस पड़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक पड़ गया, दो पड़ गया, अगर आपका ब्लॉक होके आ रहा है तो इम्पैक्ट कम होगा. अगर वो ब्लॉक नहीं हो गया, सीधा पंच मुंह पे लग गया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसको क्लाउड नीला सा हो जाएगा, फिर वो डार्क हो जाएगा. तो आपने देखा होगा इमिजिएटली वो आइस पैक लेके आते हैं, फटाफट लगा देते हैं. उससे क्या होगा कि आप खेलने लायक रहोगे. अब जब स्वेलिंग ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको दिखेगा नहीं, और वो जो दूसरा वाला है वो आपके वहीं अटैक करेगा. फिर उसको कोचेस भी उसको सब बोलेंगे कि आपने उसके लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे अटैक करी जाओ. तो इमिजिएटली वो वहां पे आपने देखा हो तो बहुत अच्छा, मतलब वो हो गया है कि फर्स्ट. और बॉक्सिंग में खासकर, हॉकी में,
फुटबॉल में जहां कहीं आपको सीधी किक्स लगी, बॉल लगी और फटाफट आइस पैक लेके आ जाते हैं, क्योंकि आइस का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपको कहीं पे भी इसको हम मतलब जहां ब्लडिंग ना हो, ब्लड ना निकले, अगर जहां पे ब्लड निकल गया वहां पे हम आइस नहीं लगाते, ठीक है। वो डीप कटिंग होगी है, इसके डिफरेंट आपके जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हैं इसमें डिफरेंट है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, एब्रेशन है, कॉन्ट्यूजन है, ये जिसको हम बोल रहे हैं ये कॉन्ट्यूजन होता है, इम्पैक्ट जहां पे किसी ऑब्स्टिकल का आपके बॉडी पे लगता है, जहां पे बॉडी कॉन्टेक्ट वाली गेम है वहां पे ये इंजरीज के चांसेस आर मोर, दैट इज कॉन्ट्यूजन, जिसको बोलते नील पड़ गया, ब्लड आपके वेसल जाम हो गए। बर्फ क्यों लगाते हैं हम आइस? सुन करने के लिए, फिर तो टीका ना लगा लें सुन करना। ऐसी क्या ऐसी शौक है भी बर्फ लगा दिया तो ठंडी होती है? बेटा जो आइस का जो इम्पैक्ट होता है ना वो गर्म होता है, बहुत हॉट, वो छूने में ठंडी होती है, आपके क्लॉटिंग नहीं करेगी, जो ब्लड वेसल्स आपके जम जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ना खून जम जाना, क्लॉटिंग हो जानी, वो नहीं होने देती है, आपका ब्लड सर्कुलर में रहेगा। अगर क्लॉटिंग होनी शुरू होगी तो वो एरिया क्या होगा, डैमेज हो जाएगा सेल। तो आइस का बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है, आपने 12 घंटे में 14 घंटे में वेन एवर देर इज ए इंजरीज वेयर देर इज अ नो ब्लड कट, जहां पे कट ना लगाओ तो आपको इमीडिएटली, आपने कई बार देखा घर पे कोई गिर गया, बच्चा गिर गया, वो इतना मोटा हो गया जी, होता है ना, आप कभी भी आइस लगा दो कभी नेवर कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी। और सेकेंड चीज, अगर स्वेलिंग हो रही है उसके बाद तो इट मीन्स फ्रैक्चर, सीवियर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई गिर गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, बाजू के बाहर गिर गया, उसको आप 2 घंटे 1 घंटा पूरा आइसिंग करो। और सेकेंड चीज, आइस को डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है ना, आइस को किसी कपड़े में डाल के, किसी क्लोथ्स में डाल के फिर उसको आपने लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना होता है। आप उसको लगाओ, स्वेलिंग नहीं हो रही है, देन इट मीन्स ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको पता होना चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, किसी को भी आपके आस पड़ोस में घर पे कोई भी आपको, इसको हम कॉन्ट्यूजन बोलते हैं, कोई भी इम्पैक्ट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल आपकी बॉडी पे कॉन्टेक्ट होता है तो आप वहां पे उसी टाइम आइस, ये नहीं कि थोड़ी देर के लगाओ उसको, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 12 घंटे तक आप उसको आइसिंग कर सकते हो। और समटाइम क्या होता है, कोई ऐसी इंजरीज होगी या मसल टीयर हो गया तो उसको वो प्रेफर करते हैं आइसिंग प्लस क्या लपेटते हैं हम, क्रैप बैंडेज, गर्म पट्टी, ठीक है, उससे वो एरिया आपका गर्म रहे। फिर हम हॉट एंड कोल्ड थेरेपी करते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी, उसमें समटाइम वी यूज सॉल्ट, ठीक है, उससे आप उसको ट्रीटमेंट देते हो। ये चीजें स्पोर्ट्स पर्सन को होनी होनी, बैक पेन हो गई है, लिगामेंट इंजरीज हो गई है, डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, एब्रेशन हो गया। एब्रेशन क्या होता है, दैट इज जो फ्रिक्शन ऑफ एनी, आप जब डाइव करते हो रगड़ जिसको लग जाती है जिसको हम बोलते हैं। लेसरेशन होता है कट जब कोई, हाँ, तो ये सारी इंजरीज जो है इसको ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। आपने उस पोर्शन को अपना ऊपर रखना है जो ब्लड क्लॉटिंग ना हो, जैसे किसी के हैंड में लग जाता है ना, बोलते हैं ना भाई हैंड को हार्ट से ऊपर रखो, ऐसे क्या होता है ब्लड रुक जाता है, जब ब्लड वहां पे आएगा नहीं तो ब्लड रुक जाएगा, तो आपका जितनी ब्लीडिंग कम होगी जो ऐसी इंजरीज होती हैं तो उतना आपका सेफ होती है लाइफ। जो आर्मी पर्सन होते हैं ना, आपने सुना होगा कि उसको इतने 8 बुलेट लग गए, 9 लग गए, 5 देन ही सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, 4 गोलियां लगी तो कैसे पता होगा, वही पूछ रहा हूँ क्या प्रिकॉशन लेते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जिनके, आपको मानिक शाह का नाम सुना है, जनरल मानिक शाह, वो पूरी चेस्ट मेडलों से भरी थी उनकी,
अभी जितने आपके परमवीर चक्कर वाले हैं, बहुत रेयर हैं, जो मतलब जिनको ये चक्कर, शौर्य चक्कर जो गैलेंट्री सबसे मेन अवार्ड है, कि वो बच गए हों, अदरवाइज वो उनका काम ऐसा होता कि चांसेस वेरी लेस। अभी जो रिसेंटली कारगिल हुआ उसमें आपको बड़े लोगों को मिले, 8-8 9-9 बुलेट लगे हैं उनके पास। एक क्या होता है, जब भी कहीं पे आपको कोई बुलेट लगता है तो उनके पास एक फर्स्ट एड में एक ऐसी वो सारा बनाया होता है, उसमें जहां पे लगी है ना उनके बुलेट लगे, वो उस चीज को वहां लगा देते हैं ताकि आपका ब्लड रुक जाए। मेन क्या होता है, अगर आपका ब्लड निकल गया सारा, देन कोई सर्वाइव नहीं करेगा। वो अभी मैं उनका नाम भूल गया, अभी पीछे भी उनका आ रहा था उसमें न्यूज में, 9 या से ज्यादा बुलेट लगे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पाई थी, कोई वहां पे टेररिस्ट थे, वहां पे उनका एनकाउंटर चल रहा था, वो बीच में चले गए, और अभी 1.5-2 साल बाद मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल फिट है। जब डॉक्टर के पास उनको लेके गए थे, डॉक्टर बोल रहा था, कहते क्या लेके आया हूँ, उनमें से एक के आपने हैंड ग्रेनेड, पता क्या होता है, वो हैंड ग्रेनेड लगा था, वो ही ब्लास्ट हो गया, तो पूरा एरिया सारा। वो डॉक्टर कहते भी करना क्या है हमने, डॉक्टर ने जब देखा उनको तो वो देख के मतलब वो कि हम करेंगे क्या है, क्या है। इवन देन पता नहीं 50 कितने उनके ऑपरेशन छोटे बड़े करते 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 ही सर्वाइव नाउ। कारगिल में जो पोस्ट थी इंडिया ने जो कैप्चर किया था, वो सारे ऊपर बंकर बना के बैठे थे और इंडिया वाले सब नीचे से चढ़ने शुरू हुए थे, एंड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत कुछ बना है बेटा उसमें, तो बहुत स्टोरी है, बड़े यंग बच्चे उसमें आपने देखा, मेजर जो जाते ही यंग है उनके बहुत वहां पे ऐसा हुआ। तो वो बड़ा मतलब एक ऐसा होता है, आपको इंजरीज का पता होगा जिसको, वो आदमी सर्वाइव करेगा। और आज की डेट में स्पोर्ट्स में इंजरी सबसे मेन आपका क्या है, इंजरीज एक ऐसी चीज है जिसको होगी उसका कैरियर खत्म, और आपको उसकी नॉलेज नहीं है फिर तो। हमारे बड़े यंग बच्चे अभी आए हैं, बैक पेन हो गई है जिनको ओवर ट्रेनिंग करके, यू नो व्हाट इज ओवर ट्रेनिंग। आजकल वो जिम का बड़ा शौक होता है ना बच्चों को, हैवी वेट लिए जिम में चले गए और अपना शुरू हो गए काम। गेम कुछ और चीज है, स्पोर्ट्स। तुम दोनों उठ के बाहर चल जाओ, बाहर ही रहना था। लगता है तुमको मतलब समझ नहीं आती बात, ये क्या कर रहे हो तुम बैठे पीछे बातें कर रहे हो।